नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया आज आपके साथ सेक्शन 133 के जो नोटिसेस इन दिनों असेसीज को मिल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। और ये बड़े इम्पोर्टेंट नोटिसेस हैं सर, जो इन दिनों असेसी लोगों को, जनरली फरवरी मार्च सीजन रहता है जिसमें इस तरीके के नोटिसेस आते हैं, और हमें इन नोटिसेस का कैसे ध्यान रखना है, इन पर क्या कंप्लायंस करनी है, इनको इग्नोर करना है या इनको ध्यान में रखना है, और अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, और अगर ध्यान में रखना है तो दैट मीन्स व्हाट। मैं इस पर सर आपके साथ डिस्कशन आज के डिस्कशन में करने जा रहा हूं सर। तो मेरा पहला जो पॉइंट है सर वो यहां पर ये है कि ऐसे क्या कारण हैं कि एसएससी लोगों को 133 के नोटिसेस इशू होते हैं। तो मैं सर यदि ये कारण आपके सामने समराइज करना चाहूं तो आई वुड से दैट बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस यू विल सी दैट ज्यादातर केसेस में ऐसे लोगों को 133 के नोटिसेस आते हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शंस किए हैं। ठीक है, यानी आपने शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन किए, किसी ट्रेडिंग अकाउंट को खुलवाया, चाहे एमसीएक्स के ट्रांजेक्शन किए, कमोडिटीज के ट्रांजेक्शन किए, और आपने उन ट्रांजेक्शंस को अपनी रिटर्न में या तो शामिल ही नहीं किया, चाहे आपने लॉस खाया। यू आर सपोज टू इंक्लूड दोज ट्रांजेक्शन इन टू योर रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी कंपनी से सर बल्क में इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन वो आपके पैन पे चढ़ा देते हैं, और फिर वो मैच करते हैं कि अरे भाई करोड़ों में ट्रांजेक्शन हो गए, लाखों में ट्रांजेक्शन हो गए, बंदे ने रिटर्न ही नहीं भरी या रिटर्न भरी और उसके अंदर उसे शामिल नहीं किया। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन्स ऑफ 133 नोटिस। दूसरा जो 133 के नोटिस का कारण होता है सर, वो रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन लोगों ने किए होते हैं, जैसे रियल एस्टेट खरीदी या रियल एस्टेट बेची, और ऐसे रियल एस्टेट खरीदने या बेचने को वो अपनी रिटर्न में पर्टिकुलरली बेचने को बताया ही नहीं है। तो डिपार्टमेंट को तो सर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन मिल गई कि फलाने व्यक्ति ने इतने की रियल एस्टेट बेची और अपनी आईटीआर में बताया नहीं। किसी ने बोला नहीं नहीं भाटिया जी, मैंने तो रिटर्न में बताया, फिर भी मेरे नोटिस आ गया। क्यों आ गया? उसका भी कारण है, आपने प्रॉपर्टी बेची 7.5 लाख की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 12 लाख, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में सेक्शन 50C के हिसाब से आपको 12 लाख पे कैपिटल गेन टैक्स देना था, जबकि आपने 7.5 लाख पर ही दिया है। दिस कुड ऑल्सो बी अ रीजन। कुछ लोगों को 133 के नोटिसेज इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने खाते में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट कर रखी है, और अगर मैं वित्त वर्ष 17-18 की बात करूं, यानी फाइनेंशियल ईयर, सॉरी असेसमेंट ईयर 12-13, 13-14 जिनके लिए बात करूं, तो असेसी लोगों को तब कैश के संदर्भ में इतनी ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने कैश में रियल एस्टेट खरीद रखी है, कैश में रियल एस्टेट बेच रखी है, और वो पैसे उठा करके उन्होंने खाते में भी जमा करा दिए, या किसी ने उस समय क्या किया, 50-50 हजार करके साल में 10-12 लाख जमा करा लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो द रीजन ऑफ 133 नोटिस। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका टीडीएस कटा हो और आपने रिटर्न नहीं भरी हो तो भी 133 का नोटिस आए। तो ये कुछ मुख्य कारण है सर जिससे एसएससी को 133 का नोटिस आता है। अब ये 133 का नोटिस जो आ रहा है सर, इसको डिपार्टमेंट क्यों दे रहा है या इससे क्या मांग रहा है? डिपार्टमेंट ने पूछ रहा है कि भाई बताइए आपके ट्रांजेक्शन है या नहीं, और यदि है तो आपने क्या इन्हें रिटर्न में शामिल किया, आपने क्या इस साल की आईटीआर भरी, आपने क्या ट्रांजेक्शंस पर टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, आपके सोर्सेस क्या थे ट्रांजेक्शन के। मान लीजिए मैंने 4 लाख रुपए किसी से उधार लिए, नकद ले लिए, और उससे शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन 4 करोड़ के घुमा गया। अब डिपार्टमेंट का नजर ये होगा कि चलो ठीक है, आपने 4 करोड़ के ट्रांजेक्शन किए, पहली बात उन पर प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया वो बताओ, और उससे भी बड़ी बात ये 4 लाख कहां से लाए। तो डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू सी वट आर द सोर्सेज बेस्ड ऑन विच यू एंटर्ड इन टू यू इंडल्ज इन टू सर्टेन ट्रांजेक्शन। तो आपको यदि सर ये अप्रोच पकड़ में आती है कि डिपार्टमेंट क्या मांगना चाहता है, तो आप 133 के नोटिस का एक उपयुक्त जवाब बना के दे सकते हैं। मान लीजिए आपने उपयुक्त जवाब बना दिया और डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया, तो आपको सर कोई चिंता नहीं है, आपका कोई असेसमेंट नहीं होगा, मामला ही ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन आप मौन बैठे रहे, आप जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है, या आपने जो जवाब दिया वो संतोषप्रद नहीं है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा सर, आपका यही 133 का नोटिस ज्यादातर परिस्थितियों में 147 में या 1433 में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि इस समय ज्यादातर नोटिसेज आप जो देखेंगे वो असेसमेंट ईयर 12-13 के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 12-13 के लिए 147 करने के लिए नोटिस जो इशू किया जाता है 148, उसकी टाइम लिमिट 31 मार्च 2019 को टाइम बार्ड हो जाएगी। तो 31 मार्च 19 से पहले पहले डिपार्टमेंट 133 के नोटिस करके
लोगों से सूचना ले लेगा, जो सूचना दे देंगे सेटिस्फाई कर देंगे सर मेरा टैक्स प्रॉपरली पेड है या मेरे को तो लॉस ही हुआ था, तो उनके तो केसेस 147 में नहीं जाएंगे, और जो ये नहीं संतुष्ट कर पाएंगे उनके केसेस 147 के लिए चले जाएंगे, तो उनका असेसमेंट डिपार्टमेंट बाद में करेगा इन डिटेल्स। तो टू द लेवल ऑफ बेस्ट ऑफ एन एसएससी ही शुड ट्राई कि वो 133 का एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब डिपार्टमेंट को दे दे, और डिपार्टमेंट यदि संतुष्ट हुआ आपके जवाब से कि आपने टैक्स वगैरह दे दिया है या आपके पास लॉसेस थे जेन्युइन थे आपके ट्रांजेक्शन जेन्युइन थे, तो आपका असेसमेंट नहीं खुलेगा, नहीं तो आपका असेसमेंट खोला जा सकता है। इसी के साथ सर जो मैं प्रोबेबल सॉल्यूशन बोल रहा हूं उसमें एक चीज एक कड़ी और जोड़ना चाहूंगा कि आप 133 के नोटिस के जवाब में अपनी टोटल इनकम को वापस से डिटरमाइन करिए, देखिए कि मैंने जो रिटर्न भरी है तो उस रिटर्न में क्या मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया, और यदि मैंने रिटर्न नहीं भरी तो मेरी टोटल इनकम थी कितनी, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो कितनी थी, टीडीएस वगैरह एडवांस टैक्स वगैरह यदि कोई पे किया घटाने के बाद कितनी बची है, यदि बची है तो दे भी दीजिए। किसी ने बोला यार भाटिया जी गजब बात करते हो आप, 1,00,000 रुपये मेरा टैक्स बनता है और मेरा 6 साल का तो ब्याज ही लग जाएगा। सर मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है, लग जाएगा ब्याज, ब्याज सही जमा करा दीजिए, यदि आज जमा करा दोगे तो क्योंकि आपने जो पैसा जमा कराया है वो 148 के नोटिस से पहले जमा करा दिया है, तो मेरे जैसे सीए के ओपिनियन में आपको कल को पेनल्टी नहीं लगेगा, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और अगर आपने अब नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि चलो 148 का नोटिस आएगा तो देखेंगे, तो सर उस परिस्थिति में पेनल्टी लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आई हैव अर्लियर ऑल्सो सेड, टूडे ऑल्सो आई एम सेइंग, प्लीज यूज 133 एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग रिड ऑफ पेनल्टी प्रोविजंस। यही इस वीडियो का सबसे मेन पर्पज है कि मैं आप तक ये बात पहुंचा पाऊं कि 133 का नोटिस यदि आया है तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो पे कर दीजिए, दिस विल सेव यू फ्रॉम लेवी ऑफ पेनल्टी। तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 133 का डिस्कशन है जो मैंने आपके साथ में लिया, आई होप यू माइट हैव गॉट बेनिफिटेड थ्रू दैट, एंड आई वुड से कि अगर आपकी कोई क्वेरी होगी 133 के नोटिसेस पर तो मैं सर उसे आपके साथ फर्दर डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड रिस्पांस, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और मैं भी कोशिश करता हूं कि नए नए टॉपिक्स पर आपके साथ में या ऐसे टॉपिक्स पर जहां जनता जनार्दन थोड़ा सा उलझ जाती है इनकम टैक्स में उनको सरल करके आपके सामने रखने की कोशिश करूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।